अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th के जो आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट हैं उन्हें गेस्ट पेपर प्रोवाइड करने लगी हूँ, जो कि उनका नेक्स्ट पेपर जो है वो जनरल मैथ का है। तो इसी से रिलेटेड आप लोगों को आज मैं जो हर एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड करूँगी, और साथ में आप लोगों को जो MCQs की मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं वो भी बताऊँगी। और ये गेस्ट पेपर आप लोगों के इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, और इसके अलावा ये पंजाब बोर्ड में जितने भी बोर्ड्स आते हैं, फेडरल बोर्ड के अलावा तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए ये गेस्ट पेपर है। अब आप लोग सबसे पहले अपने MCQ देख लें कि आप लोगों को टोटल यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को शो हो रहे होंगे, टोटल 22 MCQs हैं और हर MCQ के इक्वल आप लोगों को 4 ऑप्शंस गिवन है। जो भी आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन लगती है वो आप लोगों ने टिक कर लेनी है, और इसे आप लोग साथ साथ नोट करते जाएं। मैं अगेन आप लोगों को बता रही हूँ कि ये इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए हैं, दोनों की एक्सरसाइजेस बुक्स की सेम होती हैं, क्वेश्चंस आपके पास सेम होते हैं, सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि इंग्लिश मीडियम में वो वर्ड्स इंग्लिश में लिखे होते हैं, उर्दू मीडियम में वो वर्ड्स आप लोगों के उर्दू में लिखे होते हैं, लेकिन बाकी सारी जो एक्सरसाइजेज हैं उनके क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ सेम होता है। ठीक, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन का शिकार होने की हरगिज़ भी ज़रूरत नहीं, सेम एक्सरसाइजेज हैं तो आप लोग इजीली अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। MCQs आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, अब आ जाएं आप लोग अपनी एक्सरसाइजेज की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को जो चैप्टर 1 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1, 4, 3, मतलब इसमें यहाँ पे एक्सरसाइज 0.2 नहीं है, उसके अलावा आपके पास तीनों एक्सरसाइजेज के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका क्वेश्चन नंबर और पार्ट नंबर आगे मेंशन किया हुआ है, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट फिर आप लोगों के लिए ये जो चैप्टर 2 है उसकी 2.1 एक्सरसाइज नंबर 2.2, 2.5, इन तीन एक्सरसाइजेस में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को सामने शो हो रहे हैं। आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं या टिक मार्क करना चाहते हैं, अपनी बुक सामने रखें और इन क्वेश्चंस को टिक मार्क करते जाएं। नेक्स्ट आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें एक्सरसाइज नंबर 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 एंड 3.6, ये क्वेश्चंस इन एक्सरसाइजेस में से पूछे जाएंगे। आप लोगों ने इन्हीं एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चंस हैं ये प्रिपेयर करने हैं एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट आप लोगों की जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 है जो कि 4 यूनिट की है, 4.2, सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस हैं, आप लोगों ने इन्हें प्रिपेयर करना है। ये मैंने आप लोगों को ये जो एक्सरसाइज आप लोगों के 4.1 और 4.2 है आप लोगों ने इन्हें प्रिपेयर करना है। ये मैंने आप लोगों को गैस जो दे रही हूँ ये ओवरऑल आप लोगों की पूरी बुक के हैं, आप लोगों ने अपनी स्कीम के अकॉर्डिंग देख लेना है कि अगर आप लोग कौन सा चैप्टर रेडी कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी कर लिए हैं। इसी तरह आप लोगों की अब चैप्टर नंबर 5 आ गया है, चैप्टर नंबर जो 5 है उसमें एक्सरसाइज नंबर 5.1, 5.2, 5.3 तीन एक्सरसाइजेस हैं, इनके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका 6 है, एक्सरसाइज नंबर 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 एंड 6.6, ये जो 6 एक्सरसाइजेस हैं इनके क्वेश्चंस भी आप लोगों को सामने राइट किए हुए हैं, आप लोग इजीली इन्हें नोट कर सकते हैं, मार्क करना चाहते हैं मार्क कर लें। अगेन बता रही हूँ ये आप लोगों के पंजाब ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए है, और इसके अलावा ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2, क्योंकि अक्सर बच्चे कह रहे होते हैं कि ये ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स के लिए है, ये ग्रुप 2 में जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए, दोनों के लिए है। ये अब आप लोगों के लक पर डिपेंड करता है कि किस ग्रुप में इन गेस्ट से रिलेटेड मेजॉरिटी पोर्शन पूछ लेते हैं पेपर में, या किस ग्रुप में आप लोगों का गेस्ट में से थोड़ा पोर्शन आता है। ठीक है,
लेकिन गेस आप लोगों के ये तमाम बोर्ड्स के लिए जो पंजाब बोर्ड में आते हैं। और उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स दोनों इन गेस को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का चैप्टर नंबर 7, 7 की एक्सरसाइज नंबर 7.1, 7.2, 7.3, 4, 7.5 एंड लास्ट वन 7.6। ये ट्यूटोरियल आप लोगों के चैप्टर 7 की एक्सरसाइजेज हैं। इनके क्वेश्चंस भी सामने आप लोगों को शो हो रहे हैं, ये आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर जो 8 है वो आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 25, 26 एंड 28 ये एक्सरसाइज नंबर 8.1 का है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोगों ने इन्हें प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट चैप्टर आपका 9, एक्सरसाइज नंबर 9.1, 9.2 एंड 9.3, इनके भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास गिवन है। और इसके बाद चैप्टर नंबर जो 10 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 10.1 के क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने जो थ्योरम्स हैं तो आप लोग देख लें कि आप लोगों को इन दोनों में से कौन सा जो चैप्टर है वो ज़्यादा अच्छा थ्योरम के लिए रेडी है, तो उसे आप लोगों ने रेडी करना है। लेकिन जिस भी चैप्टर को आप इन दोनों में से रेडी करें उसे आप लोगों ने फुल रेडी करना है, कोई भी थ्योरम उसमें से छोड़ना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने जो थ्योरम छोड़ा हो बाकी सारे आपने प्रिपेयर किए हों और वही पेपर में आ जाए तो फिर आप लोगों को थोड़ा अफसोस होगा कि मैंने ये वाला थ्योरम क्यों छोड़ दिया। इसीलिए आप लोगों ने जो भी थ्योरम का चैप्टर याद करना है उसे आप लोगों ने कंप्लीट रेडी करना है। तो इस तरह आप लोगों की ये जो मैंने एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट बताई हैं ये शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों के लिए हैं। इसमें से आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को इस पूरे गेस की समझ आ गई होगी, कहीं पर कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी कहीं भी आपको कोई भी मसला और समझना आई हो देन आप मुझसे पूछ लिया करें, मैं आपको बता दिया करूँगी। आई होप अब आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो।